हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लेन कपड़े पर गले का एक डिज़ाइन बनाएंगे। आप ये डिज़ाइन कुर्ती या ब्लाउज़ किसी पे भी बना सकते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच यानी कि 3.5 ली है और गले की लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है। अब हम इसके बीच में इस तरीके से एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अगर हम इसको नाप कर देखें तो यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ हमें लेना है और यहाँ से इसकी चौड़ाई 2.2 इंच होनी चाहिए। और इस तरीके से एक डिज़ाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब इस डिज़ाइन के चारों तरफ हमें 2 इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। ये बॉर्डर भी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये गला हमने कट कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर कपड़ा चिपकाना है। ये मैं चिपकने वाली बुकरम यानी कि पेस्टिंग वाली बुकरम ले रही हूँ, तो ये मैंने प्रेस से गला चिपकाया है। आप चाहें तो सिलाई भी ला सकते हैं। यहाँ से कपड़े के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। कच्चा टांका लगा के हमें इसको फोल्ड करना है यहाँ पर। अब हमें इस गले को कुर्ती के फ्रंट वाले हिस्से में बनाना है। बिल्कुल सेंटर में हमें इस गले को रखना है और बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। जैसे हम बेसिक गला बनाते हैं, कोई भी गला हम जिस तरीके से बनाते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है इसको। ये सिलाई लगाने के बाद अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं हमें इसके ऊपर। किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इस तरह से जो हमारे कोने हैं उनको अच्छे से बाहर निकाल देंगे प्रेस करके। और अब हम इसके ऊपर कच्चा टांका लगाएंगे। अब हम 1 इंच चौड़ी उरेब पट्टी यानी कि 22 स्ट्रिप लेंगे और इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक कच्चा टांका लगाएंगे इसके बीच में। कच्चा टांका हमें इसलिए लगाना है क्योंकि डिज़ाइन पूरा होने के बाद हम इसे उधेड़ देंगे। ये हमने एक पतली और लंबी स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब हमें इसको गले के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए, थोड़ी सी दूरी से इसे मैं अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल एजेस पे इसको नहीं रखना है हमें। ये देखिए, बिल्कुल ढीले हाथ से हमें इसको घुमाते जाना है और जो हमारा डिज़ाइन है गले का, उसके बिल्कुल साथ साथ हमें इसको बिल्कुल उसी की शेप में घुमाते जाना है और अटैच करते जाना है। ये देखिए, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पट्टी है इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। खींच लेंगे तो हमारे गले में बल पड़ सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये पट्टी हमने अटैच कर दी है इसके ऊपर। अब ये मैंने फैब्रिक के पीसेस लिए हैं, तकरीबन 1.5 इंच चौड़े। ये स्क्वायर पीसेस हैं और इनके ट्रायंगल्स हमें बना के गले के ऊपर इस तरीके से अटैच करने हैं। ये देखिए,
ये जो हमने पट्टी अटैच की थी इसके बिल्कुल साथ साथ हमें इन ट्रायंगल्स को अटैच करना है। ये देखिए, बिल्कुल जोड़ जोड़ के हम इन ट्रायंगल्स को लगाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम इनको अटैच करते जाएंगे और पूरे के पूरे गले पर हमें इन ट्रायंगल्स को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हमने अटैच कर दिए हैं। अब एक और पट्टी हमें इस तरीके की तैयार करनी है जैसी हमने पहले भी तैयार की थी। और ये जो हमने ट्रायंगल्स इसके ऊपर लगाए थे, इस तरीके से इस पट्टी से इनको हम कवर करेंगे ताकि जो इसके पिछली तरफ धागे दिख रहे हैं वो नज़र ना आए। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ। अब इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे पे हम ये वाली लेस लगाएंगे जो कि बाज़ार में इजीली मिल जाती है, हर कलर में ये मिल जाती है। मैं गोल्डन कलर में ही ये लेस लगा रही हूँ। ये लेस हम अच्छे से अटैच करेंगे। एक और सिलाई लगाएंगे और इसके साथ ही हमारा गले का ये डिज़ाइन भी बन के तैयार हो गया है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।